आज बात करेंगे काली मिर्च की। छोटी सी दिखने वाली चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है आयुर्वेद की दृष्टि से, अगर हम अपने शरीर के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखें तो। सबसे पहले इसकी जो मेन क्वालिटी है वो है दीपक और पाचक, यानी कि अग्नि को प्रदीप्त करने वाली और खाए हुए भोजन को हजम करने वाली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के लिए और अपने डाइजेशन को ठीक रखने के लिए। इसके अलावा जो कुछ खाया है उसमें जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएं और हमें उसका फ़ायदा मिले, ज़रूरी है कि हम काली मिर्च को अपने जीवन में शामिल करें। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक पर भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है। अगर हम काली मिर्च के पाउडर को थोड़े से शहद के साथ और अदरक के साथ मिला के लेते हैं तो हमारे खांसी, जुकाम और गले में जो खराश रहती है उसको भी ये दूर करती है। सिंपल, अगर हमें कभी सांस लेने में दिक्कत हो रही है या जोर से खींच के सांस लेना पड़ रहा है तो 2 दाने काली मिर्च के और 1 लौंग लेके मुँह में रख लें, उसको धीरे धीरे चूसते रहें तो उस तकलीफ से भी हमें निजात मिलेगी। यानी कि एक छोटी सी काली मिर्च पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती है, साथ में हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी ताकत देती है और हमें नज़ले जैसी तकलीफ से छुटकारा दिलाती है। तो इस छोटे से तोहफे को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, मसालों के रूप में या डायरेक्ट दही में डाल के, सब्जी में डाल के, दाल में डाल के, कैसे भी इसका सेवन कीजिए, आपको हर रूप में फ़ायदा देगी।